नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और जनता की आवाज़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम हैं जोधपुर में और पिछले रविवार को हमने बात की थी कि जब दो नगर निगम के चुनाव होंगे तो किन किन सुविधाओं की यहां पर ज़रूरत होगी और उसका रेवेन्यू किस तरह से होगा। आज हम इस चर्चा को जारी रखते हैं और इस बात को बढ़ाते हैं कि क्या इस शहर में और व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, अपनाएं जो यहाँ के मशहूर हैं वो और किस तरह से बढ़े। आइए इस पर बात करते हैं। आखिर क्यों नहीं शामिल किए गए नए क्षेत्र? अगर नए क्षेत्र शामिल किए गए होते तो उनका भी डेवलपमेंट होता। हम बात करें डेवलपमेंट की तो उनका भी डेवलपमेंट होता। चलिए ओंकार भाई आप बता दीजिए, उनका भी डेवलपमेंट होता, रेवेन्यू के साधन भी आते, लोगों की संख्या। मेरा प्रश्न पूरा हो जान दीजिए कि लोग जुड़ते नगर निगम से, ठीक है, शहरी क्षेत्र का आकार बढ़ जाता, तो ये भी तो किया जा सकता था ना। देखिए, जो आपने सवाल खड़ा किया कि पड़ोस के जो सीमा क्षेत्र थे उसको बढ़ाया क्यों नहीं गया, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, नहीं बढ़ा के अच्छा किया। कारण, जब ये सीमा बढ़ती तो जो संसाधन अभी वर्तमान में नगर निगम के पास है इसी का विभाजन होता, एक बात। दूसरी बात, जितने कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं इनका भी उसी में विभाजन होता, और जो अनडेवलप्ड नया एरिया है उस एरिया के मतदाता शास्त्री नगर एरिया से अपने को कंपेयर करते हैं कि सब सुविधाएं बंद कर दें और हमें सुविधाएं दें। एक से दो इसलिए किए गए क्योंकि 5 लाख पॉपुलेशन के बाद पहला निगम, 10 लाख पॉपुलेशन के बाद दूसरा निगम का कानूनन प्रावधान है, ये कोई अपने मन से नहीं कर दिया गया। अच्छा, एक और बड़ा प्रश्न है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बार, क्योंकि आगे सब आप लोगों ने फ्रंट पे महिलाएं बैठाई है, निकल जाए सिर्फ उसी के लिए बनाए गए और कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि जिला प्रमुख और नगर निगम को लीड जो करने वाली है वो महिलाएं हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता महिला सीट आई है, क्योंकि जनरली महिलाएं कम, अभी भी थोड़ी सी कम लग रही है मुझे कार्यकर्ता, उन लोगों की महत्वाकांक्षा जो आगे आना चाहते थे पुरुष, अब वो उनके लिए अपने घर की महिलाओं के रूप से उनको साबित करने का मौका मिलेगा, ऐसा है? थोपी जाएंगी क्योंकि जनरल की हैं और बाहुबल, क्योंकि डायरेक्ट होता तो शायद अलग बात होती, इनडायरेक्ट है तो धनबल और बाहुबल। एक पुरुष होते हुए मैं सारी महिलाओं को बधाई देता हूं, बिल्कुल, कि इनको एक हक मिला है और हम सब पुरुष इनको समर्थन करेंगे, अपनी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो मेरी कांग्रेस की है, आपकी कोई और हो सकती है, लेकिन इस जोधपुर शहर के लिए जो भी काम करेगा, जो भी यहाँ पे आएगा वो अच्छा काम करेगा, जो भी महिला यहाँ पे महापौर बनेगी मुझे पूरा विश्वास है कि वो अच्छा काम करेगी। क्या आपका विश्वास है कि एक्चुअल जो कार्यकर्ता है वही आगे आएंगी? निश्चित रूप से भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि जो भी अच्छी कार्यकर्ता होगी उसी को महापौर बनाया जाएगा, ये मेरा 100% मत है, क्योंकि भारत के वोटर्स को हम हल्के से नहीं ले सकते। बोर्ड के अंदर महापौर जो भी बनता है और जैसी संसदीय प्रणाली है नगर निगम की, महापौर को सीधा फेस करना पड़ता है, इसमें कोई उसका सपोर्टर नहीं होता है, इसलिए जो पार्टी लीड करेगी वो सक्षम व्यक्ति को ही महापौर बनाएगी। क्या लगता है इस बार जितनी जो राज्य सरकार की, चलिए अब ये मान लें कि क्या क्या मुद्दे होंगे, तो इधर से मैं पूछना चाहूँगा कि जब नगर निगम चुनाव में आप जाएंगे तो जोधपुर के कौन कौन से मुद्दे होंगे जो इश्यू बनेंगे? बिल्कुल जाएंगे साहब, चुनाव लड़ने जाएंगे। सबसे पहले पिछले 5 साल बीजेपी का वोट रहा, और हमारे अभी ओझा साहब की बात थी कि उनका कभी विरोध नहीं हुआ, विरोध तो उसका होता है जो काम करता है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं था तो विरोध कहाँ से होगा। 65 वार्ड में हर वार्ड में 2 से 5 करोड़ रुपए के कार्य हुए। अरे स्मार्ट सिटी में नहीं ला पाए आप लोग, 74,000 अरे स्मार्ट सिटी में नहीं ला पाए आप लोग। बुराना जी, आप पहली बार जोधपुर के इतिहास में। नहीं, मेरा प्रश्न था कि एक तो चलिए विकास नहीं हुआ, दूसरा ये कि पिछले 5 साल हमारे गहलोत साहब की सरकार की बात नहीं करूंगा, पिछले 5 साल जोधपुर के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ, जोधपुर के प्रॉपर बदले की भावना से, वो तो बंसाली जी भी बता सकते हैं कि इनके साथ भी क्या हुआ। अगर वो तो अशोक जी के हुआ तो बंसाली जी के साथ भी क्या हुआ वो भी बता सकते हैं लोग कि इनके साथ भी हुआ। इनको कौन सा बक्सा आपने, क्या इनके, अरे इनका तो सोच लेते। ये पार्टी को लेके ज्यादा मुद्दा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेन होगा जोधपुर का सर्वांगीण विकास करना, हमें किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना है, हमें सर्वांगीण विकास करना, और हुआ है
पहले के जो थे पुरानी जो थी नालियां जो थी वो बिल्कुल मतलब इतनी वो गंदी हो रखी थी। ओझा जी ने बहुत काम किया है, सड़कें बनवाई है, सफाई कराई है, बिल्कुल किया है। आप जाइए तो सही, आप शहर की ओर तो जाइए। एक वार्ड बताओ, एक गली बताओ, आप एक वार्ड एक गली बताओ, कौन सी गली में किया उन्होंने, कौन सी गली, नाम तो बताओ एक गली में। अरे आपके खुद के वार्ड की गली का बता दो, आपके खुद की गली का बता दो। आसपास देखिए तो सही, कौन सा सफाई, कौन सी गली में किया, सफाई नहीं होती, आप बताइए मेरे को। ले चलिए, आप तो पूरा जोधपुर बर्बाद कर दिया, उन्होंने कौन सी सफाई की है तो बताओ हमें। जोधपुर बताओ ये गली कौन सी सफाई की करना है, स्वच्छता का। अरे उनके खुद के पार्षद उनका विरोध कर रहे थे इसका, हम विकास करेंगे। ओझा जी का खुद का पार्षद ने विरोध किया था फुल। जय श्री जी। ओझा जी के वक्त उनके इनके पार्षद ने इनका विरोध किया था, तो कैसे विकास की बात करते हैं। पर्यावरण पे ध्यान देंगे, हमारा ये मानना है क्या भाजपा सत्ता ये नहीं चल सकता, चला सकते ये अच्छा विपक्ष का निभा सकते हैं, सत्ता ये चलाने की बात नहीं है। आप सुनो, ये 10 साल विधायक रहे, इनसे बताना चाहिए कि 10 साल में इन्होंने क्या काम कराया। कैलाश जी यहाँ बैठे हैं, 10 साल इन्होंने क्या काम कराया ये बता दे पहले। आप नॉन पॉलिटिकल हैं, किसी पार्टी से नहीं है, आपको क्या लगता है? ये मालूम है कि अभी जो लास्ट 5 साल में जितनी सफाई हुई है वो रिमार्केबल है। और स्टेशन देखिए, स्टेशन देखिए, स्टेशन बहुत साफ है, नंबर 1 पे हमारा स्टेशन आया है। एक बात मैं अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ, कांग्रेस को कभी स्वच्छ भारत चाहिए ही नहीं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की इतनी अच्छी है, हमारे रेलवे स्टेशन देख लो आज, कि इनको स्वच्छ भारत चाहिए ही नहीं। कांग्रेस को ये स्वच्छ है ही नहीं, कभी ये स्वच्छ है ही नहीं, आज तक इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अच्छा विजयलक्ष्मी जी, विजयलक्ष्मी जी एक प्रश्न है, मैं जनरली सभी जगह अभी जनता का वोट करने गया था तो देख के आया कि आवारा पशुओं की समस्या हर शहर में, ऐसा कोई शहर नहीं है और कोई दावा भी नहीं कर सकता कि आवारा पशुओं की समस्या दूर हो जाएगी। क्या ये भी एक मुद्दा होगा इन चुनाव में, नगर निगम के जब होंगे, दोनों नगर निगम के चुनाव जब होंगे तो ये भी एक मुद्दा होगा आवारा पशु भी? पिछले 5 सालों में इस समस्या में कितना सुधार हुआ होगा यहाँ पे? सर बिल्कुल भी सुधार नहीं है, उल्टे आवारा पशु बड़े थे। 5 सालों में जो हमने भुगता है इस शहर को, हम ही जानते हैं महिलाएं। आवारा पशु के नाम पे जोधपुर के जो 65 वार्ड के अंदर है, आप तो ये बता दो कि आपके पार्षदों ने कितने आवारा पशुओं को आज तक पकड़वाया है? ये मुद्दा रहेगा ना चुनाव में? बिल्कुल रहेगा। मैं एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और अगर आमजन ने साथ दिया ना। और गौशालाओं की स्थिति कैसी है? गौशाला नगर निगम की रजिस्टर्ड गौशाला जितनी भी है, आज की तारीख के अंदर आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लो, नगर निगम ने सिर्फ खाना पूर्ति की है और उसके अलावा कोई भी काम नहीं किया है, जबकि बामासाओं ने वहाँ पैसा लगाया, नगर निगम ने कुछ भी नहीं किया है। अभी किसी गौशाला में यहाँ गायों की मौत हुई तो नगर निगम क्यों नहीं संभाल पा रही? मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से दोनों पक्ष नाराज हो गए। हिंदुस्तान में 2 कलंक है, एक वृद्धाश्रम एक गौशाला है। जब तक गाय किसान के खूंटे पे नहीं बंधेगी, गाय यूं ही मरती रहेगी, ये बिल्कुल सच है। जब तक सब्सिडी किसान को नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना ही गौशाला बना दो, कितना ही आप आवारा पशु गृह बना दो, उसको नाम गौशाला दे दो, नहीं सुधरने वाला, नहीं सुधरने वाला। नगर निगम के प्रयास कर सकती है ना अच्छे के लिए? नगर निगम कितना प्रयास करेगा, वहाँ कितने नंदी है पता है आपको? 2500 तो नंदी अलग से है और गौशाला है, मैं कई बार गया हूँ, जो देखते हैं वहाँ दया आती है चारे के लिए। जो सक्षम होगा वो ज्यादा खाएगा, बाकी उसको सिंह मारेगा। तो ये जो गाय तो हमेशा से पॉलिटिकल मुद्दा हो गई। नहीं पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, इसको मुद्दा खत्म करना पड़ेगा, इस मुद्दे को खत्म करना पड़ेगा। गाय की सब्सिडी किसान को देनी पड़ेगी, गौशाला खाली होनी चाहिए तब गौशाला बचेगी। ये क्या स्थिति वृद्धाश्रम की है? वृद्धाश्रम हिंदुस्तान के लिए नहीं, तो कभी कोई भी धर्म में नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वृद्धाश्रम। एक और इश्यू है, क्योंकि ये चुनाव बिल्कुल लोकल लेवल पे होते हैं और हर वार्ड में ये देखा जाता है कि मेरे यहाँ सफाई हुई नहीं हुई, या सुविधाएं हैं नहीं है, पब्लिक टॉयलेट्स हैं नहीं है, तो जो पब्लिक यूटिलिटीज की प्रॉब्लम है वो जोधपुर शहर में है या नहीं है? ये 5 साल के अंदर नगर निगम के अंदर जितने भी शौचालय बने, आप इनके वार्ड के जितने भी अध्यक्ष हैं या वार्ड के जो पार्षद उनको बोल लो कितने चालू है, सारे बंद पड़े हैं, पानी की टंकियां हट गई है, दरवाजे टूट गए हैं, और इतनी स्वच्छता के नाम पे बिल्कुल गंदगी पड़ी हुई है। बात जब शौचालय की चली तो मैं आपको बतला दूं, हम जिस प्रांगण में बैठे हैं वहाँ हमारे माननीय पूर्व विधायक जी कैलाश जी के द्वारा निर्मित शौचालय आज भी ताले में। आप फोटो शूट कर लो, जिस प्रांगण में हम बैठे हैं वो आज भी ताले में है। विकेता जी कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है जब आप लोग बाजार में जाते हैं और
ये सुविधा नहीं मिलती। महिला जब भी बाहर निकलती है पहला कदम समस्या को साथ लेके ही निकलती है। समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं होता, वह खुद सक्षम होकर सब समस्या का समाधान करने के लिए नगर निगम की ये दो सीट आई है। इसीलिए आई है कि महिला अपना सब कुछ त्याग कर जो भी समस्या है वह पूरी तरह निभा सके। लीला बहन जी, शौचालय तो होना बहुत जरूरी है क्योंकि महिलाओं को हमेशा ही तकलीफ होती है, पुरुष को ये तकलीफ नहीं होती है तो और यहाँ पे बनाना चाहिए। लेकिन तकलीफ तो होती है क्योंकि मोदी जी आजकल बड़े सख्त हो गए ना। नहीं सख्त क्या, आप जैसे हमारे भी आए लॉक है ये सब ने कहा, ये भी बात सही है। हर पार्क में होना चाहिए, हर जगह सुलभ कॉम्प्लेक्स अच्छे से अच्छा बनाया जाए जिससे सार्वजनिक और क्या पिछले 5 सालों में इस समस्या में कोई सुधार हुआ? कोई विशेष सुधार अभी नहीं हुआ है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। इधर से क्या ये 5 सालों में इस समस्या में कोई सुधार हुआ? भाई साहब शौचालय के लिए बहुत सुधार हुआ है और कई शौचालय अभी नए पुनर्निर्माण किए गए और हमने अभी देखा है। अभी ये जो हाईकोर्ट परिषद के बाहर इन्हीं की विधायक ने उसका लोकार्पण किया है। पिछले 5 सालों में जिस तरीके से मोदी जी ने स्वच्छ भारत का एक एजेंडा बना के पूरे भारत को सबसे पहले तो विश्व के सामने शर्मसार किया कि भारत जैसे इतने बड़े देश में शौचालय की व्यवस्था ही नहीं है, फिर भी हम उनके इनिशिएटिव को अच्छा मानते हुए अच्छा हुआ जो शौचालय बनवाए। जोधपुर नगर निगम में वार्ड तो बढ़ गए हैं लेकिन क्या वार्ड बढ़ने के साथ साथ सुविधाएं बढ़ेगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि जोधपुर शहर में 2 नगर निगमों के चुनाव होंगे तो आगामी मुद्दे क्या हो सकते हैं इन चुनावों के, इसी पर हम चर्चा जारी रखते हैं। पंडित जी आप ही बता दीजिए क्योंकि आप धार्मिक स्थल से संबंधित हैं, नगर निगम का काम भी होता है कि धार्मिक स्थल का रखरखाव करना, क्या आप संतुष्ट हैं इस चीज़ से कि शहर के जो धार्मिक स्थल हैं नगर निगम उनको सही प्रकार से रख पा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड था तो उस समय मंदिरों के बाहर जो डंपिंग स्टेशन थे उनको हटाए गए थे, परंतु अब वापस ये डंपिंग स्टेशन हमारे मंदिर के सामने साल भर से शुरू हो चुका है। मैं ना तो बीजेपी की बात कर रहा हूँ ना कांग्रेस की कर रहा हूँ, आम जनता की बात कर रहा हूँ, ये कह रहे 1 साल से डंपिंग स्टेशन बन गया है, 1 साल से नहीं 1 साल से निगम ही है, निगम को तो फ्री हुआ 1 महीने हुआ अभी तक, 2 महीने हुआ ज्यादा नहीं हुआ निगम को। अच्छा सुझाव दूंगा नॉन बोल्ट। हाँ दादा बताइए। आपने पूछा पिछले 5 साल में सफाई के लिए कार्य हुआ, कोशिश की वजह से हमने 200 ज्यादा शौचालय बनाए लेकिन एक्सेप्ट करने में कोई कमी नहीं है कि काफ़ी शौचालयों के दरवाजे नहीं है, गंदगी है, लेकिन जहाँ जहाँ लोकल मैनेजमेंट है जैसे ब्रज बावड़ी जाइए आप, 6 बने हुए हैं एकदम घर से भी अच्छे साफ रोज साफ होते हैं, वहाँ जहाँ लोकल मैनेजमेंट वहाँ ठीक है, जहाँ नहीं है वहाँ खराब है। मैं भी एग्री करता हूँ काफ़ी खराब है लेकिन कोशिश उनकी बहुत पॉजिटिव। अच्छा, सड़कों की स्थिति कैसी है जोधपुर में, सड़क जो नगर निगम है दोनों? सर रातनाड़ा क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर तक नाला बिल्कुल खुला पड़ा है और आस पड़ोस में रह रहे हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है और माननीय विधायक साहब से मैंने 2-3 बार पहले भी, 2 बार ये विधायक रहे हैं, इनको 2-3 बार इनको मैंने 2-3 बार लिख के दिया है और महापौर साहब को भी लिख के दिया है और आप हालात देखो वहाँ के जाके, आप वहाँ पर जाके हालात देखो, लोग यहाँ खाना खा रहे हैं और यहाँ गंदा नाला चल रहा है। तो ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे काम महापौर इनका, ये खुद रहे हैं क्या विकास में? एक प्रश्न आपने दिया है मुझे, क्या विकास में पॉलिटिकल नजरिया रहता है कि इस क्षेत्र का नहीं करना क्योंकि यहाँ मेरी पार्टी का पार्षद नहीं है? रहा हूं आपको, मनीषा जी को हमने लिख के दिया है, अब वो कार्रवाई स्टार्ट हो रही है, अब कार्रवाई चालू हो रही है। नीतीश भाई क्या आप भी मानते हैं कि विकास में पॉलिटिकल नजरिया रखता है या रखना चाहिए? विकास के अंदर कोई भी पॉलिटिकल नजरिया नहीं होना चाहिए, विकास आम आदमी का विकास होता है, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। विकास करने वाले का खुद का नजरिया होना चाहिए कि मैं किसका विकास कर रहा हूँ, मैं अपने शहर का विकास कर रहा हूँ, मैं अपने देश का विकास कर रहा हूँ, मैं अपने राज्य का विकास कर रहा हूँ। अच्छा हम चर्चा के अंतिम दौर में हैं, मैं एक एक प्रश्न दोनों तरफ से पूछूंगा। पॉलिटिकल नजरिए की बात है, आपने कहा कि विकास में पॉलिटिकल नजरिया होता है क्या? ये विधायक ही बैठे हैं 10 साल, विधायक रहे, इनको पूर्व विधायक रहे और आगे भी
पूर्वी रहेंगे, लेकिन इन्होंने पॉलिटिकल नजरिया रखते हुए इनको पूछो कि कभी एक संप्रदाय विशेष के महल में कोई काम करवाया क्या? लखारे के पास में लखारे, मेरी बात सुनो, लखारे के, अरे लखारे के पास में सड़क बनाई, जो सड़क, बाकी मेरी बात सुनो, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, जो पूरा जोधपुर में एक ही लखाराबाज है। अरे मेरी बात सुनो, आपने दुबात रखते हुए, मेरी बात सुनो, दुबात रखते हुए ये 10 साल विधायक रहे, कभी एक विशेष समुदाय के मेले के अंदर सड़क तो क्या सीवरेज इन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा। जोधपुर एक ऐसा शहर है जहां पर 3-3 मुख्यमंत्री हुए, और हर आदमी ये अपेक्षा करता है कि जिस शहर ने 3 मुख्यमंत्री दिए हो, एक केंद्रीय मंत्री दिया हो, उस शहर के हालत शायद राजस्थान में सबसे अच्छे होनी चाहिए और सबसे अच्छी होगी। आप लोगों की नज़र में भी होगी, हो सकता है इनकी नज़र में ना हो, आप लोगों की नज़र में हो, इनकी नज़र में हो, आपकी नज़र में ना हो, या हम लोगों की नज़र में ना हो, या हम नुक्ताचीनी कर रहे हो, लेकिन सुझाव आने चाहिए कि इस जोधपुर शहर को जो आज की स्थिति है इससे और अच्छा कैसे बनाया जाए। तो सुझाव राजेंद्र भाई जी फटाफट। मेरा सुझाव है इसी महीने की 23 तारीख और 25 तारीख को तेलंगाना स्टेट में नगर निगम और परिषदों के चुनाव है, वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि जो वोटर आएगा वो अगर असली वोटर होगा, एक ऐसा ऐप डेवलप किया है उन्होंने, जो वोटर आएगा वो असली वोटर होगा तो ही वोट दे पाएगा। सर्वप्रथम मैं फर्स्ट इंडिया टीवी और राजीव जी और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, आपने जो बड़ा ही अपडेट मुद्दा है हमारा नगर निगम के दो भाग किए हैं उस पर आपने प्रोग्राम रखा है, आप यूथ कांग्रेस और पूरी कांग्रेस तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी सबसे पहले जगदीश जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और समाजसेवी भी रहे हैं, आपने चुनाव में देरी करने का मुद्दा उठाया, तो पहले आप अपने ग्राउंड में जाके जो आप लोगों ने दूसरे राज्यों में जो चुनाव देरी की है और कानून को तोड़ के उसकी डेट डिक्लेयर की है, आपके खुद के द्वारा की जा रही है, वो अपने ग्राउंड में जाके उसके बाद में दूसरों पर इल्जाम लगाएं। उसके बाद सर मैं कह रहा हूँ कैलाश, उसके बाद मैं कह रहा हूँ सर कैलाश जी पिछले 10 साल तक जोधपुर के विधायक रहे, क्या उनको ये पता नहीं था कि डिलनेस की प्रॉब्लम आ रही है? आपके कार्यकाल में आपका बोर्ड था तो आपको उस वक्त आपने उनके साथ मीटिंग क्यों नहीं की? सर उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ रिवेन्यू की बात ही आपकी, आपने कहा रिवेन्यू, सर मारवाड़ को पूरा विश्व रिवेन्यू के लिए जाना जाता है, मारवाड़ का हर बच्चा एक व्यापारी है और रेवेन्यू जनरेट करना जानता है। सर मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ सर, गुजरात वगैरह सब छोड़िए सर, जयपुर में जब ये जो गैलरी खाली कराने की बात आई थी लोगों ने बहुत विरोध किया था, अशोक जी की जो नीति के द्वारा वो उसको खाली कराया गया, और अभी कुछ दिन पहले मैं और संदीप साहब जयपुर थे तो सर उसकी बाउंड्री पे जो ट्रैफिक का जो विवाद होता है, पब्लिक परेशान होती है, उस जगह पर उन्होंने सुव्यवस्थित पार्किंग कर दी है, उससे वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और वो उनको फायदा भी हो रहा है। तो सर ऐसे ही रेवेन्यू के लिए हम भी हमारे जो हम अब सुझाव मांग रहे हैं, आप थोड़ा लेट हो गए थोड़ा सा, इधर से नीलम जी, और क्या किया जा सकता है कि जोधपुर में, मतलब क्या आवश्यकता है उत्तर में, क्या आवश्यकता है कि वहाँ का नगर निगम या उसका क्षेत्र ज़्यादा अच्छा हो सके, दक्षिण में क्या आवश्यकता है? मैं सबसे पहले चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ की यातायात व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा सुधारी जाए सबसे पहले, क्योंकि जिस तरीके से ना तो फुटपाथ का निर्माण है हमारे यहाँ पर, ना हमारे यहाँ पर यातायात की जो सुविधाएँ जो आम तौर पे हमें देखने को मिलती है बाहरी क्षेत्रों में, वो हमारे जोधपुर में नहीं देखने को मिलती है। तो मेरा ये मानना रहेगा कि फुटपाथ भी हमारे यहाँ पर नहीं बने हुए हैं, प्रॉपर फुटपाथ की भी व्यवस्था हो और प्रॉपर यातायात की भी महिलाओं के लिए व्यवस्था हो। इधर से भी सुझाव संदीप भाई जी, मतलब अब उधर नहीं, अब जवाब नहीं, एक बुराना जी का जवाब रह गया था, इन्होंने एक ऐप की बात करी और इन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करी, मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन तक सीमित रहते हुए इस बात का स्वागत करूंगा कि बुराना जी ये मान रहे हैं कि हिंदुस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। अब सुझाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि ईवीएम खत्म की जाए और बैलेट व्यवस्था लागू की जाए। अगर बैलेट व्यवस्था लागू हो गई तो जो आप कह रहे थे कि जो बनने वाले हैं वो सब सामने आ जाएंगे, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। लेंस भाई जी सुझाव दीजिए प्लीज। मैं ड्रेनेज के लिए सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे नालों की सफाई व्यवस्था है वो सिर्फ बरसात आने से पहले ही नालों की सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है, इसकी मॉनिटरिंग पूरे साल भर की जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यातायात व्यवस्था के लिए जो एंक्रोचमेंट है वो एंक्रोचमेंट सारे हटा देने चाहिए, भले किसी के भी हो, कोई भी एरिया में हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे,
जिसपे सभी पक्ष सहमत होंगे। सबसे बड़ा सुझाव ये है कि जो भी व्यक्ति पार्षद बनेगा उसी में से महापौर बनेगा, तो पार्षद बनने से पहले वो एक इंसान है। सबसे बड़ा सुझाव ये है कि जीतने वाला एक व्यक्ति एक जनप्रतिनिधि होता है, उसका कर्तव्य है कि वो अपने आप को मानव समझ के मानव सेवा के रूप में प्रति व्यक्ति हित में कार्य करे, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। सबसे पहले अपने मानव सेवा का आप पालन करें। सर मैं इसी मेरी बहन के इसी विचार को आगे बढ़ाना चाहूंगी, और ये हम मैं चाहूंगी निगम के चुनाव ये स्थानीय इकाई चुनाव है, इनको हम क्यों पॉलिटाइज कर रहे हैं और हम क्यों इस तरीके से एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। जोधपुर आपका भी, जोधपुर हमारा भी, जोधपुर सबका है, ठीक है, इसको क्यों हम। क्या आप इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाह रही हैं कि बिना सिंबल के चुनाव हो? मैं यही बात कहना चाह रही हूँ, मेरा यही एज एन इकोनॉमिस्ट मेरे यही आपसे है, क्योंकि इसको क्यों हम सिंबल में करें, क्यों सरपंचों के चुनाव की तरह हमारे जोधपुर के निगम के चुनाव नहीं हो सकते, क्यों हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी का बैनर हो या वो, क्योंकि हम लोगों के मानसिकता को उससे प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि आप ये आपने डिसेंट्रलाइज किया है इस मुद्दे को। हम ये नहीं कह रही कि गलत है, पर जिस तरीके से आप वार्डों को भाग में बांट रहे हैं वो गलत है। आप जो आप 5000 का अगर है उसका जो प्रतिनिधि कर रहा है, वहाँ का जो संरक्षण कर रहा है, ये हाउसकीपिंग मैनेजमेंट है। निगम इज नॉट एनी पॉलिटाइज्ड, से ये हाउसकीपिंग मैनेजमेंट का चुनाव है, और इस बार दो महिलाएं हमारी महापौर बन रही है। अगर आप जब कहते हैं कि जोधपुर के अंदर जब भी नगर निकाय के चुनाव होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर सिंबल होता है, और मैं चाहता हूँ कि सिंबल हो, क्योंकि जितना मैं जोधपुर से प्यार करता हूँ उतना ही भारत से प्यार करता हूँ। अगर सिंबल ना हो तो भारत में भी ना हो। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ विधानसभा यहाँ पे एक सेकंड, ये दल बदल कानून भी नहीं है इसमें, आप दल बदल कानून भी नहीं लागू होता है इस क्षेत्र में, इस निगम के चुनाव में। तो अगर आज यहाँ से कोई जीता है वहाँ पे जाके मिल सकता है, वो महापौर चुन सकता है, तो यहाँ पे जरूरत थी क्या सिंबल की? बहन जी 1994 हमने बिना सिंबल के इलेक्शन लड़ा था और आपने सिंबल दिए थे, उस वक्त आपने ये बात क्यों नहीं कही? दादा सुझाव आगे दीजिए, आगे 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 हरजाना जी इधर दीजिए। हाँ चले, आप बोल, आप बताइए। सिस्टम में सुधार होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज लाइन में सुधार होना चाहिए, सुझाव दीजिए बस। अभी भाई साहब ने बहुत अच्छा बात कहा कि मैं भारत से प्यार करता हूँ, मैं एक बार इनको कहता हूँ, बोलो भारत माता की वंदे, वंदे भारत माता की, भारत माता की। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए, भारतीय जनता पार्टी वालों को समझाना चाहूंगा, ये भारत माता की जय जय का ज्यादा ही वो जोश करते हैं। आज मैं इनको बताता हूँ कि भारत माता होती क्या है। भारत माता खाली ये जमीन नहीं है। जिस दिन ये लोग पूरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को भारत माता मानेंगे, मैं भारत माता की जय बोलूंगा। बात आ रही है नगर निगम चुनाव में सुझावों की, तो मैं ये सुझाव देना चाहूंगी कि जिस तरीके से दो नगर निगम बनेंगे, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा सफाई कर्मी और नगर निगम के अंदर भी, साथ ही साथ जो जोधपुर के अंदर अब एक जो नई चीज है, हालांकि जोधपुर के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज है जो देश में किसी शहर में नहीं है, अब जोधपुर के अंदर जो मस्ट नीडेड चीज है वो है यहाँ के टूरिज्म को और डेवलप करना। जैसे कि उदयपुर में इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स है, उसी तरीके से अब हमारा ये कर्तव्य है कि आने वाले दो नगर निगम के जो बोर्ड बनेंगे उसके अंदर जोधपुर के अंदर ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स क्रिएट किए जाए, जिससे कि अपने आप नगर निगम को पैसा भी मिलेगा, टूरिस्ट स्पॉट बनेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो नए नगर निगम के लिए जो मेरा सबसे पहला सुझाव रहेगा वो यही रहेगा कि आने वाले नगर निगम के जो दोनों बोर्ड है वो जोधपुर के अलग अलग कोनों में अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स, चाहे अम्यूजमेंट पार्क हो, चाहे नए म्यूजियम हो, और भी कई सारी चीजें, साइंस पार्क है, ये इस तरीके की चीजों को क्रिएट करके टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले, साथ ही साथ उससे रोजगार भी मिले। तो सबसे बड़ी बात है दो नगर निगम हो या तीन हो, असली मुद्दा है सफाई व्यवस्था अच्छी हो। इस शहर की जो अपनायत है वो दो नगर निगम बनने के बाद पूरे विश्व में और अधिक फैले और फिर नंबर आए किसी सूची में, अच्छी सूची में, साथ ही रोजगार भी पैदा हो और केवल एक ध्येय हो दोनों महापौर का कि इस जोधपुर विकास को किस तरह से सुंदर बनाना है, विकास करना है, और इस जोधपुर को पूरे भारत में किस तरह से सर्वोच्च स्थान पर ले जाना है। आज के जनता की आवाज़ में बस इतना ही, अगली बार फिर किसी दूसरे शहर में किसी विषय पर चर्चा होगी, तब तक के लिए नमस्कार।